हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस एजुकेशनल क्लास में। आज सब्जेक्ट केमिस्ट्री क्लास 12 में चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत हमारा टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बच्चों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाह रहे हैं कि DL कॉन्फिगरेशन क्या है। तो पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आपसे DL कॉन्फिगरेशन। एक एग्जांपल की मदद से इसको बताएं तो बेहतर होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, इसमें लिखा है CHO, यहां CH2OH और ये है आपका H और OH। अगर इसका मिरर इमेज लें तो ये कंपाउंड कुछ हो जाएगा CHO CH2OH। बच्चों, मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है वो लुक्स लाइक राइट दिखता है, इसको हम लैटरल इन्वर्जन कहते हैं। तो ये OH और H। अच्छा, अब देखिएगा, ये आपका है ग्लिसरल्डिहाइड। क्या नाम इसका? ग्लिसरल्डिहाइड। इसका है ग्लिसरल्डिहाइड नाम है, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन इसमें हम नोटेशन देना चाह रहे हैं डी और एल का। तो वो क्या है? तो डी कॉन्फिगरेशन क्या होता है कि अगर जो लास्ट काइरल कार्बन है आप मोनोसेक्राइड्स कंपाउंड में, अगर वो उसमें OH ग्रुप टूवर्ड्स द राइट साइड हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? डी कॉन्फिगरेशन। क्या कहना चाह रहे हैं? इफ लास्ट काइरल कार्बन हैज OH ग्रुप टूवर्ड्स द राइट साइड। ये देखिए, जो OH है टूवर्ड्स द राइट साइड हो आप मोनोसेक्राइड्स कंपाउंड में, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? देन इट इज डी कॉन्फिगरेशन। तो इसको हम डी कॉन्फिगरेशन कहेंगे, यानी इस ग्लिसरल्डिहाइड की जगह हम इसका नाम ले सकते हैं डी साथ में प्लस। तो ये हुआ आपका डी ग्लिसरल्डिहाइड। प्यारे बच्चों, अगर इसी तरह जो लास्ट काइरल कार्बन है उसमें OH ग्रुप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड हो तो उसको हम एल कॉन्फिगरेशन कहेंगे। तो यहां पर आप थोड़ा सा देखें, अगर इफ लास्ट काइरल कार्बन एटम हैज OH ग्रुप टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड उसको हम क्या कहेंगे? देन इट इज कॉल्ड एल कॉन्फिगरेशन। क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, ये भी ग्लिसरल्डिहाइड है, लेकिन इसको हम एल फॉर्म बोलेंगे। तो ये एल फॉर्म हो गया और आपका ये हो गया डी फॉर्म। तो टू फॉर्म ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड हुआ, एल फॉर्म और डी फॉर्म। बच्चों, कहना क्या चाह रहे हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा समझिए काइरल कार्बन क्या है, तो आपको ये थोड़ा और समझ में आएगा। तो पहले काइरल कार्बन समझते हैं। अगर कार्बन एटम से अटैच्ड चारों ग्रुप अलग अलग हो, डिफरेंट हो, जुदा जुदा हो, तो उसको हम काइरल कार्बन कहते हैं। ये कहें कि जो उसका हम अगर इमेज ले तो वो एक दूसरे को सुपर इम्पोज ना करें, तो उसको हम भी काइरल कह सकते हैं। तो पहले तो ये लिख सकते हैं कि इफ ऑल फोर ग्रुप अटैच्ड विथ कार्बन एटम आर डिफरेंट,
अलग है। जैसे यहां पर देखिए ये OH हो गया एक, एक HCHO, ये चारों ग्रुप अलग अलग है। ये आपका कार्बन है, यहां पर आप कार्बन मान सकते हैं, ऐसे यहां पर भी मान सकते हैं कार्बन, तो उसको हम लोग काइरल बोलेंगे। या दूसरा हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि मिरर इमेज जो है, मिरर इमेज डज नॉट सुपर इंपोज टू ईच अदर, टू ईच अदर, एक दूसरे को सुपर इंपोज ना करें। बच्चों मैं थोड़ा सा समझाऊं आपको मिरर इमेज कैसे। देखिए जैसे आप जब मिरर में देखते हैं तो आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखता है, दोनों हैंड एक दूसरे को अपोजिट दिखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा ये लेफ्ट हैंड है तो ये आपको राइट हैंड की तरह दिखेगा। अब इन दोनों का अगर इमेज ले ले तो इमेज एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। देखिए ये अंगूठा अंगूठा नहीं कर रहा, उंगलियाँ नहीं कर पा रही, ये ऐसे नहीं कर रहा है, ये सुपर इम्पोज, एक मिरर इमेज ये हो गया कि तो इसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही यहाँ पर भी है कि अगर आप इस वाले कंपाउंड को इसके ऊपर रखेंगे तो CHO और ये दोनों तो कर लेंगे, लेकिन ये OH और H ये नहीं कर पाएंगे, तो इनको हम काइरल कार्बन कहते हैं। अब DL को डिफाइन कैसे करें, तो ऐसे सैकेराइड्स या मोनोसैकेराइड्स जिसमें जो लास्ट काइरल कार्बन है उसका OH ग्रुप अगर आपका इधर हो राइट साइड हो तो उसको हम डी फॉर्म कहेंगे, अगर यही OH ग्रुप L साइड हो तो उसको हम L फॉर्म कहेंगे। तो डी फॉर्म और L फॉर्म ऑफ ये आपका हुआ कॉन्फिगरेशन। बच्चों अब इसी तरह हम देखें ग्लूकोज में क्या स्थिति है, तो ग्लूकोज के में हम लोग देखते हैं, तो आइए अब ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना के हम लोग देखते हैं। ग्लूकोज में आप जैसे जानते हैं कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो है C6H12O6, ये आप ग्लूकोज का होता है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें तो कुछ ऐसे आता है, देखिएगा यहां CHO है और सबसे नीचे CH2OH और चार सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप रहते हैं इसमें, कुछ इस तरह से HOH, थर्ड वाला OH कुछ पहले रहता है, फिर HOH HOH। अब ग्लूकोज में चार काइरल कार्बन है, एक ये जो चारों सेकेंडरी अल्कोहल है वो काइरल कार्बन की तरफ बिहेव करते हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला काइरल है, इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, सबसे लास्ट वाला काइरल है, इसको कुछ आप ऐसे कर लें, ये काइरल में आप देखेंगे कि OH ग्रुप किधर है, OH ग्रुप आपका टुवर्ड्स द राइट साइड है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डी, और साथ में हम प्लस भी लिखते हैं इसको, तो ये आपका ग्लूकोज हुआ। तो आप याद रखेंगे कि ग्लूकोज को हम पूरी तरह से नाम देंगे डेक्स्ट्रो, डी या डेक्स्ट्रो भी बोलते हैं इसको, यहां पर OH ग्रुप राइट साइड है तो इसलिए हम डी प्लस ग्लूकोज भी कहते हैं। अब देखेंगे कि ग्लूकोज में वो कौन सी रिएक्शंस थी जो कि ओपन चैन स्ट्रक्चर द्वारा उसको हम डिफाइन नहीं कर पाए, इसलिए फिर हमें जरूरत पड़ी क्लोज चैन स्ट्रक्चर की। तो पहले कि कौन कौन सी रिएक्शन जो ओपन चैन स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज डिफाइन नहीं कर पाया, तो यहां पर लिखते हैं कि ओपन चैन स्ट्रक्चर आप ग्लूकोज could not define या explain followings, बहुत important है, वैसे इसको exam में पूछा भी जाता है कि कौन कौन सी वो reaction है जिसको open chain structure of glucose define नहीं कर पाए। तो बच्चों इसमें पहली जो reaction है वो है 2,4-DNP test और CYPS test साथ में sodium bisulfide के साथ addition reaction, तो ये एक रिएक्शन है पहला जो आप कहेंगे कि 2,4-DNP टेस्ट कमा CYPS टेस्ट एंड एडिशन रिएक्शन
सोडियम बाइसल्फाइड। देखिए बच्चों, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है। अगर इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है तो हम ये जानते हैं या हम पढ़ेंगे भी कि एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप अगर है तो वो 2,4-DNP टेस्ट देगा। ये टेस्ट होता है जो एल्डिहाइड या कीटोन को कंफर्म करता है। इसमें क्या करते हैं कि आर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं हम और इसमें 2,4-DNP रिएजेंट जब मिलाएंगे तो ऑरेंज येलो प्रेसिपिटेट आता है। सिप्स टेस्ट भी देता है और साथ में सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन दे करके क्रिस्टलाइन कंपाउंड बनाता है। तो ये रिएक्शन नहीं दे रहा तो इसका मतलब ये एल्डिहाइड ग्रुप क्वेश्चन मार्क में है कि ये प्रेजेंट होते हुए क्यों नहीं दे रहा है। दूसरा जो हम लोग कह रहे हैं वो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट जो होता है, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलमीन। ग्लूकोज रिएक्ट करता है एकदम सही, लेकिन जब ग्लूकोज पेंटासिटेट कहें और उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो फिर ये हाइड्रोक्सीलेमीन के साथ रिएक्ट करना चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ग्लूकोज पेंटासिटेट बना के दिखा रहा हूँ। तो ग्लूकोज पेंटासिटेट कुछ ऐसे है, CHO CHOH होता है तो COCH3 लिखते हैं इसको, का होल 4 और यहाँ पर CH2O COCH3, ये आपका ग्लूकोज पेंटासिटेट है। इसमें अगर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट, बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के कारण इसको देना चाहिए NH2OH के साथ ऑक्सीजन बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि एल्डिहाइड ग्रुप NH2OH के साथ रिएक्ट करके ऑक्सीजन बनाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ ये एक्सप्लेन नहीं हो पाया। फिर एक बात ये थी कि ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज रिएक्ट विद ओनली 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल। जबकि एल्डिहाइड या कीटोन जो होते हैं वो अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल क्रिएट करके एसिटल बनाते हैं, लेकिन यहां पर एक ग्रुप होने के कारण, CHO ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण आप यहां देखेंगे ये केवल एक ही मॉलिक्यूल क्रिएट कर रहा है और बनाता है कि अल्फा या बीटा फॉर्म ऑफ मेथिल ग्लूकोसाइड बनाता है। तो ऐसा क्यों होता है, एक ही मॉलिक्यूल क्यों करता है, 2 क्यों नहीं करता। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ग्लूकोज कैन एग्जिस्ट इन टू एनोमेरिक फॉर्म। अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे एनोमर्स क्या होता है। एनोमर्स वो होते हैं कि पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर एट कार्बन 1 पोजीशन, यानी C1 पर, तो उसको हम एनोमर्स कहते हैं। इसकी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहां पर ग्लूकोज के 2 स्टीरियो आइसोमर्स देखे गए, अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज। तो ऐसा क्यों हुआ ये भी डिफाइन नहीं हो पाया। तो ये कुछ रिएक्शन थी जिससे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं कर पाया, तो हमें जरूरत पड़ी ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर की। थोड़ा सा इसको हम और डिफाइन करेंगे आपको, पहले आप इसको लिख लीजिए। चलिए देखिए, जो अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का और साथ में बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज है, इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अल्फा फॉर्म ग्लूकोज जो होता है ये 36% तक स्टेबल होता है, ये 64% स्टेबल होता है। बीटा फॉर्म आपका 64% ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, और अगर देखें तो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है ये आता है 1-1
यानी कि 111 111 डिग्री, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन आता है 19.2 डिग्री। ये आपका जो वैल्यू है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये फोल्ड करता है 419 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है 423 केल्विन। तो दो फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ये देखा गया कि एक्वस सॉल्यूशन में अल्फा फॉर्म या बीटा फॉर्म ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम मिक्सचर भी होता है जो लेस देन 0.5% ये भी रहता है, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो होता है, स्पेसिफिक रोटेशन SR लिख दिया शॉर्ट में, तो ये होता है लगभग 52.5 डिग्री। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज में देखा गया कि 111 है अल्फा ग्लूकोज, ये कन्वर्ट हो जाता है या डिक्रीज करता है 52.5 में, और जो बीटा है ये आपका 19.2 से 52.5 डिग्री में कन्वर्ट होता है इंक्रीज करके। तो ऐसा क्यों हुआ, ये भी दिक्कत हो गई। अच्छा, ये जो स्पॉन्टेनियस चेंज हुआ किसमें, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विथ टाइम, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूटा रोटेशन। तो थोड़ा सा एक टर्म है पहले वो डिफाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है, म्यूटा रोटेशन। ये सब चेंज हो रहे हैं, ये इसमें चेंज हो रहा है, ये इसमें चेंज हो रहा है। तो इन एक्वस सॉल्यूशन स्पॉन्टेनियस चेंज, जो ये चेंज हो रहा है हमारा, स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है किसमें, ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन, स्पॉन्टेनियस चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन इन इक्विलिब्रियम वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जो आपका ये एक्वस सॉल्यूशन, इसमें स्पॉन्टेनियस चेंज होता है, यानी क्या चेंज होता है, ये 111 से चेंज हो गया इसमें, ये 19.2 से चेंज हो गया इसमें, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटा रोटेशन, इसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। तो दो टर्म है, थोड़ा सा याद रखिएगा, एक आपका है म्यूटा रोटेशन और एक आपका हमने बनाया एनोमर्स। तो म्यूटा रोटेशन क्या है, ये अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म किसमें चेंज हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम पोजिशन में, इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू है। दूसरा हमने बताया कि आपको एनोमर्स क्या होते हैं, तो पेयर ऑफ आइसोमर्स जो कि कार्बन वन पोजिशन पर चेंज करते हैं उसको हम एनोमर्स कहते हैं, इसको अभी आगे भी डिफाइन करेंगे, पहले आप यहां तक लिख लीजिए। अब हम आपसे डिस्कस करेंगे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की जरूरत तो पड़ी है, और उसके स्ट्रक्चर क्या होता है ये भी डिस्कस करते हैं। तो आप इसे लिखिए, चलिए, अब हमारा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है कुछ ऐसे है, CHOOH या कुछ आप ऐसे लिख लें, ये लास्ट में होता है CH2OH और बीच में चार सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं जो कुछ इस तरह से होते हैं, HOH फिर OHH फिर HOH फिर HOH, ये है ग्लूकोज का फार्मूला। अब देखिएगा कि ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो CH पेयर का इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा, यहां पर इस कार्बन की बात कर रहा हूं मैं, लास्ट कैरियर कार्बन में, ये इसका जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है ये इससे अटैच हो सकता है, यानी एक बॉन्ड बना सकता है C1 से, ये 1 और ये 5, कार्बन नंबर 5 की बात हो रही है। तो इसका जो दो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ ऐसे बनेंगे, क्या बनते हैं देखिएगा, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए यहां कार्बन तो है, तो ये H CHOH हो गया, CHOH को हमने लिख दिया CHOH,
तो यहाँ पर सी है एच ओ एच, फिर चार आपकी ये नीचे सी एच टू एच, ये आपका क्या हुआ एच ओ एच, फिर ओ एच एच ये कार्बन नंबर थ्री है, फिर आपका हुआ एच ओ एच, और जो पांचवा कार्बन है देखिएगा ये पांचवा कार्बन ये अटैच हो गया पहले कार्बन से, ये कार्बन नंबर वन और कार्बन नंबर फाइव की बात हो रही है, ये अटैच हो गया पहले कार्बन के साथ और ये बनाया आपका अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये C5 है ध्यान रखिएगा C5 और ये C1, तो ये क्या बनाया अल्फा फॉर्म ग्लूकोज। ऐसे बीटा फॉर्म अगर बनाते तो यही एच ओ एच चेंज जाते, यानी ओ एच एच आ जाता, फिर चार सेकेंडरी अल्कोहल आपके हैं एच ओ एच, थर्ड वाले में ओ एच एच, फिर एच ओ एच, फिर एच, और ये कार्बन वन, ये कार्बन वन सी वन और ये C5, लास्ट में नीचे तो रहेगा CH2H, ये कुछ ऐसे एक ऑक्सीजन को अटैच। कुछ सोच रहे एच कहाँ से आ गया, तो देखिए यहाँ पर ये एच है इससे ज्वाइन कर गया निगेटिव वाले से, और ये प्लस होगा निगेटिव ज्वाइन कर गया और इसके साथ ये बॉन्ड बना दिया, तो दो फॉर्म इसके एग्जिस्ट हुए अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म ग्लूकोज के। अच्छा बच्चों जो ये अल्फा और बीटा फॉर्म ग्लूकोज है इसको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर से हमने लिया, उसका नाम था पायरॉन, क्या नाम था पायरॉन, तो थोड़ा ये भी देखते हैं, इसको हमने नाम दिया था पायरॉन से लिया गया था, पायरॉन क्या था एक साइक्लिक स्ट्रक्चर था, 6 कार्बन की रिंग थी, साथ में उससे ऑक्सीजन अटैच था, 6 मेंबर कार्बन रिंग अटैच विद ऑक्सीजन। तो इस हिसाब से जो अल्फा फॉर्म आपका डिजाइन किया गया अल्फा फॉर्म ग्लूकोज का वो कुछ ऐसे आया, 6 मेंबर कार्बन रिंग है, एक ऑक्सीजन इसमें भी अटैच है, अच्छा बाकी आपका याद रखिएगा इसमें यहां एच सी एच टू एच है और ये कार्बन वन है, कार्बन वन पर अगर ये एच ओ एच ऐसे लग गया तो अल्फा फॉर्म, फिर ये टू का पोजीशन होगी ये एच ओ एच, थ्री में ओ एच ऊपर रहता है, फिर एच और ओ एच, ये अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज हुआ। ऐसे ही अगर हम बीटा फॉर्म अगर बनाते, बीटा फॉर्म ग्लूकोज का, तो प्यारे बच्चों इसमें कार्बन वन पोजीशन पर चेंज होता है, ये C1 है याद रखिएगा, तो यहां पर देखिएगा ये ओ एच ऊपर कर दिए एच नीचे कर दिए, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा, ये आपका एच ओ एच, ये ओ एच एच, ये एच ओ एच और ये एच सी एच टू ओ एच। तो अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज होता है इसी को एनोमर कहते हैं, जो कि कार्बन वन पोजीशन पर डिफरेंट करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर एट कार्बन वन पोजीशन। तो थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूं मैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा एनोमर्स क्या होते हैं, पूछा गया एग्जाम में एनोमर्स वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्या हुए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स विच डिफर एट कार्बन वन पोजीशन C1 पोजीशन, दैट इज हमने एग्जांपल दे दिया अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अल्फा एंड अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, तो ये देखिए यहां पर डिफर कर रहा है इस पोजीशन पर, ये ओएच ग्रुप यहां पर है इसका ओएच ग्रुप इधर है, बस बाकी सारी चीजें आपको सेम नजर आएंगी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं एनोमर, एग्जाम में पूछा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, एनोमर्स क्या होते हैं ब्यूटा रोटेशन क्या होता है ये सब पूछे गए हैं, तो प्यारे बच्चे इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रक्टोज के बारे में, तो आइए हम लोग अब डिस्कस कर रहे हैं फ्रक्टोज, फ्रक्टोज को आप एल्डो कीटोज भी कह सकते हैं,
कीटोज, यानी इसमें कीटोनिक ग्रुप होगा। और ये आपका फ्रूट शुगर भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, फ्रूट शुगर। इसको अगर आप ऑब्टेन करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप शुगर ले लें। शुगर क्या होता है, C12H22O11, इसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो एक ग्लूकोज बनेगा और एक फ्रक्टोज बनेगा। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो जो ये कीटोनिक ग्रुप होगा ये कार्बन टू पोजिशन पर होगा, कार्बन 3, 4, 5 पर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रॉबली कार्बन हमारा टू पोजीशन पर होगा। कुछ इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा, देखिए पहले आप CHOH, CH2OH और यहां पर CO, फिर CHOH का होल 4, होल 3 कह सकते हैं, और यहां CH2OH, 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4 CH2OH, बीच में CO, और ये तो ये आपका हुआ, आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया आपका फ्रक्टोज। अब इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अच्छा, फ्रक्टोज को हम, ये भी डी फ्रक्टोज फॉर्म लिखा जाता है, डी सीरीज का है, तो हम इसको लिखेंगे डी फ्रक्टोज। अगर इसका साइक्लिक फॉर्म बनाए तो कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक में CH2OH, ये पहला तो सेम है और लास्ट वाला भी सेम रहेगा CH2OH, बीच में आप देखिएगा CO है, C और O, फिर तीन OH है, तो आप इसको लिखेंगे, ये थर्ड है तो OHH, फिर HOH और फिर आपका HOH, टोटल 6 कार्बन होंगे। ध्यान रखिएगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा। ये वाला जो ऑक्सीजन है, कौन सी कार्बन, मतलब C5 और C2, ये यानी कार्बन एटम्स 2 और 5 की बात कर रहा हूं, कार्बन 5 पर, यानी ये C5 की बात कर रहा हूं, तो ये वाला यहां से एक बॉन्ड बनाएगा। यानी जैसे हमने एल्डिहाइड में देखा कि फ्री एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता ग्लूकोज में, वैसे इसमें भी देखेंगे कि कीटोन ग्रुप भी कहीं ना कहीं फ्री नहीं रहता। तो बच्चों, इसके कारण जो है, इसके दो स्ट्रक्चर फॉर्म बनेंगे, क्या हो जाएंगे, देखिएगा CH2OH, तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे HCH2OH, ये दो कार्बन हो गए, फिर तीन ये लिख वाले कैसे हैं, देखिएगा ये हो गया OHH, कार्बन नंबर 3 है, फिर HOH, फिर आपका आएगा H, और ये आपसे अटैच होगा ऑक्सीजन CH2OH। अगर ये CH2OH राइट साइड है तो इसको हम अल्फा फॉर्म कहेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, अल्फा फॉर्म फ्रक्टोज। अगर इसी को हम लेफ्ट साइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, बीटा। तो एक अगर इसको हम लेफ्ट साइड भी बना दें, कैसे, थोड़ा सा मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए कोशिश करते हैं इसी मंजर। तो इसको अगर हम कुछ ऐसे बनाए, यानी कि आप देखिए OH, अब की हम इस HCH2OH था, अच्छा तो ये HCH2OH हमने यहां पर देखा, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड में ये OH यहां पर रहेगा, यहां से OH, ये OH जुड़ेगा इस कार्बन, तो कार्बन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। चलिए अब देखिए यहां, अब फिर OH हम लेफ्ट साइड कर दिए CH2OH, फिर तीन कार्बन और है,
तीन कार्बन में अगर हम लिखेंगे तो ओ एच एच, फिर आप देखिए एच ओ एच और यहां साथ में एच, और ये आपसे अटैच रहेगा कार्बन, लास्ट में नीचे सी एच टू एच, ये बीटा फॉर्म फ्रक्टोज। बच्चों ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने लिया, आप एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा क्या, जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर हमने लिया तो इसको हमने लिया फ्यूरॉन से, किससे लिया, फ्यूरॉन से, फाइव मेंबर क्लोज रिंग स्ट्रक्चर था विद ऑक्सीजन एटम। तो अब इसका हम थोड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर देख रहे हैं फ्यूरॉन से, आप तो इसको देख लीजिए, थोड़ा सा मैं देखूंगा साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज। तो साइक्लिक जो स्ट्रक्चर लिया गया ये हमने लिया था इसको किससे, फ्यूरॉन से। फ्यूरॉन क्या था, फाइव मेंबर कार्बन रिंग है और ये एक ऑक्सीजन एटम होता है, ये कुछ फाइव मेंबर कार्बन रिंग विद ऑक्सीजन एटम। तो इस हिसाब से इसके भी दो बनाए, अल्फा और बीटा फॉर्म बने, कैसे बने वो देखिए आप जरा। तो फाइव मेंबर कार्बन रिंग हम बना रहे हैं, अगर अल्फा फॉर्म बनाना है ध्यान दीजिएगा, तो ये हमने सी एच टू ओ एच और ओ एच को ये रख दिया, तो ये अल्फा फॉर्म बन गया। फिर बाकी एच ओ एच, एच ओ एच ये अब तक कार्बन नंबर तीन है ना, तो यहां पर ओ एच एच, फिर एच ओ एच, फिर आप इसको लिखेंगे एच और ये सी एच टू ओ एच, ये तो ये आपका क्या होगा, अल्फा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये अल्फा फॉर्म हुआ। अच्छा बीटा बनाएंगे तो केवल यही पोजीशन चेंज होगी, कार्बन ये वाली पोजीशन, तो यहां पर बीटा फॉर्म जो होगा, अच्छा यहां पर देखिएगा क्या होगा, बीटा फॉर्म बनाने जा रहा हूं, तो फाइव मेंबर साइक्लिक रिंग बनाएंगे आप पहले, ये ओएच आपकी मैंने ऐसे लिख दिया सी एच टू ओ एच, बाकी सब चीजें सेम है, फिर एच ओ एच, फिर आपने लिखा एच और सी एच टू ओ एच, ये बीटा फॉर्म। तो प्यारे बच्चों इस तरह से हमने देखा कि ग्लूकोज के भी दो फॉर्म हुए, अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म, जो कि डिफर कर रहे हैं एट कार्बन टू पोजीशन पर, सी टू पोजीशन पर। अच्छा हम आपसे एक चीज और भी डिस्कस करना चाह रहे हैं, जैसे कि आप लोग देखेंगे आगे कि एल्डिहाइड जो ग्रुप होता है वो टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि कीटोज जो है ये भी रिड्यूसिंग मोनोसेक्राइड्स है, रिड्यूस करता है टॉलरेंस ऑफ फेलिंग सॉल्यूशन को, ये भी रिड्यूस करता है। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज की फिर एल्कली के साथ। चलिए रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विथ डाइल्यूट एल्कली, डाइल्यूट NH, तो इसके साथ हम डील कर रहे हैं। अच्छा इसको हम लॉब्री डी ब्रॉन वैन इंकस्टीन रिएक्शन भी बोलते हैं, तो इस रिएक्शन का नाम भी है लॉब्री डी ब्रॉन इंकस्टीन रिएक्शन, रिएक्शन या रीअरेंजमेंट भी कह सकते हैं। तो ये है वैन इंकस्टीन रिएक्शन, वैन बी बोल्डर वैन इंकस्टीन रिएक्शन।
बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है उसको वो उसमें रेजोनेंस दिखता है। कैसे होता है थोड़ा सा देखते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, CHO, तो यहाँ पर CHOH का होल फोर होता है, तो मैं CHOH और CHOH का होल थ्राइस और CH2H ऐसे लिख लेता हूँ। अब ये वाला जो H है इसको मैंने कुछ ऐसे लिख लिया। अब होगा क्या कि जब इसमें डाइल्यूट NH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड टूट करके इधर शिफ्ट हो जाता है, तो कुछ मिला करके ये कुछ ऐसे होता है, CHOH हो जाएगा, और यहाँ पर COH, CHOH का होल थ्राइस और CH2H, ये ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज। अच्छा इसमें फिर जो है हाइड्रोजन फिर रीअरेंज होता है, ये हाइड्रोजन फिर रीअरेंज होता है, ये वाला है इधर चला जाएगा, तो जब इधर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा CH2OH, ये हाइड्रोजन रीअरेंज हो रहा है। अब ये हो जाएगा आपका O CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। देखिए मजेदार, ये डी ग्लू ये ग्लूकोस है, और यहां पर ये रेजोनेंस के बाद क्या मिल गया, फ्रक्टोज। जो ग्लूकोस था वहां पर हमने रेजोनेंस के बाद क्या देखा कि उससे हमको फ्रक्टोज मिल गया। अच्छा ये जो एनोमेरिक फॉर्म आप एच ओ एच ऐसे लिखें, ये एच आप ऐसे लिख करके भी कर सकते हैं, तो इसके भी दो फॉर्म बन सकते हैं आपकी, एच ऐसे लिख दीजिए और ओ एच ऐसे लिख दीजिए आप। ये कुछ CH2OH, खैर तो ये दो जो फॉर्म आपके आपने देखा कि ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, फ्रक्टोज में, रेजोनेंस फॉर्म में। तो इस कारण, इस रीअरेंजमेंट के कारण, ये जो रीअरेंजमेंट होता है इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज जो है वो भी रिड्यूसिंग शुगर है, और ये टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट दे देगा। बच्चों आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि टॉलरेंस ऑफ फेलिंग टेस्ट केवल एल्डिहाइड ग्रुप ही देते हैं, लेकिन यहाँ पर कीटोन देता है क्योंकि रीअरेंजमेंट होता है और ये इस ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है आपका कीटोनिक फॉर्म में। चलिए कि बच्चों आज जो हम लोगों ने डिस्कस किया वो डिस्कस किया कि ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर में क्या कमियां थी, और वो कुछ रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पूछा गया एग्जाम में कि कौन कौन सी रिएक्शन थी जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, जिसमें 2,4-DNP टेस्ट है, सिर्फ टेस्ट है, और आपका सोडियम बाइसल्फाइड के साथ एडिशन रिएक्शन है, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज होते हैं, ये क्यों होते हैं ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया, और ग्लूकोज पेंटाइसिट्रेट जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्यों रिएक्ट नहीं करता है। फिर हमने थोड़ी सी बातें डिस्कस की कि एनोमर क्या होते हैं, कि कार्बन वन पोजीशन पर जो पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो डिफर करते हैं उनको एनोमर्स का। फिर हम आपसे थोड़ा सा ये भी डिस्कस की कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, स्टीरियो आइसोमर्स इसमें बनते हैं कि ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, अल्फा और बीटा फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये दोनों फॉर्म ऑफ जो ग्लूकोज हैं ये एक्वस सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम चेंज होते हैं, यानी इनका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होकर के 52.5 डिग्री जो इक्विलिब्रियम रोटेशन उसमें आ जाता है, अल्फा फॉर्म चेंज होता है इक्विलिब्रियम में, बीटा फॉर्म चेंज होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल रोटेशन। फिर साथ में हमने देखा कि ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर या साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज क्या है ये भी देखा, और डिस्कस किया थोड़ा सा फ्रक्टोज के बारे में कि फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके दो फॉर्म भी होते हैं अल्फा और बीटा फॉर्म। कुल मिलाकर बच्चों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने मित्रों के साथ। हाँ अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ कमेंट्स हैं, आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो जरूर लिखें कमेंट के माध्यम से, जिससे हम अपना जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बनाएं तो उसको और बेहतर बना सकें। थैंक यू, नमस्कार।